हेलो गाइस, अपन लोग करने वाले हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि हमारे पास ए बी सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसको वाई के इक्वल रख दिया, ये साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि इसमें इनवर्स की जो हमारे पास रेंज थी वही निकालनी है सिंपली। तो मैंने आपको बताया था कि साइन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स की क्या थी, -π/2 से लेके π/2 तक। अब हमें ये निकालना है कि यहाँ पे जो वाई की रेंज होगी वो क्या होगी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अगर स्क्वेयर ब्रैकेट्स होते हैं तो वो भी इंक्लूड होता है ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू किसकी होगी, -π/2 एंड π/2। अगर यहाँ पर स्क्वेयर ब्रैकेट नहीं होता तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं आता। ये स्क्वेयर ब्रैकेट है इसलिए इक्वल का साइन आया है, इसलिए जो हमारे पास वो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। अब देखो, ये हमें निकालना है टेन इनवर्स √3 -sec inverse -2, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या मान लिया, टेन इनवर्स √3 को हमने किसके इक्वल ले लिया, वाई के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास टेन वाई आ जाएगा √3 के इक्वल। √3 कब होएगा, टेन वाई, जब हमारे पास 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री मतलब π/3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब हम इसकी और निकाल लेते हैं, इनके बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। sec inverse -2, ठीक है। sec इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है गाइस वो कितनी होती है, sec इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज 0 to π -π/2, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे माइनस है तो पाई माइनस थीटा आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। तो ये 2 कब होगा, sec 2 होएगा जब 60 डिग्री होगा। तो सिमिलरली π - π/3, यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2π/3। अब इसको इसमें से माइनस कर दो 2π/3 को, ठीक है। यहाँ पे 3 LCM आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, ये -2π/2 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा -π/3। गाइज, ये हमारे पास था 14th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ट्यूटोरियल में कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हो। एंड प्लीज, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय गाइस।